कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपको अवार्ड मिला है बेहतरीन इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, और आप नया अवार्ड मिला स्टार। ये है स्टार एमिनेंस अवार्ड। किस कैटेगरी में मिला है ये? बेस्ट विलन? नहीं, बेस्ट विलन हीरो। ये सब क्रेडिट जाता है ऑडियंसेस को, फैंस को, व्यूअर्स को। आज तक अवार्ड शोज में इस तरह की कैटेगरी कभी अनाउंस ही नहीं हुई थी। ऐसी यूनिक कैटेगरी पहली बार बनाई गई है मेरे लिए। आई थिंक ये सब ऑडियंसेस की वजह से पॉसिबल हुआ है। जिस तरह से आपका कैरेक्टर है, मतलब वो लगता है कि हीरो का कैरेक्टर है, विलेन ही, मतलब क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं ब्लेस्ड फील करता हूँ। एक विलेन को जब विलेन हीरो बुलाया जाता है, इससे ज़्यादा एक एक्टर को क्या चाहिए। सो द एंटायर क्रेडिट गोज टू द ऑडियंसेस, द फैंस एंड द व्यूअर्स। ओके, शो में काफ़ी ऊपर उथल पुथल हुआ है शो। धीरज लेफ्ट वे, शक्ति अरोरा आए हैं, क्या कहना चाहोगे शक्ति अरोरा के बारे में? देखिए, शक्ति पहले से मेरा दोस्त है। हमने अपनी करियर की शुरुआत साथ में की थी। सो बहुत मज़ा आ रहा है शक्ति के साथ काम करने में। एंड मेरा पहले से ही जो प्रोफेशनल अप्रोच है, जब मैं सेट पे होता हूँ तो हर कोई मेरे लिए को एक्टर ही होता है। ऑफ सेट हर किसी के साथ मैं स्वीट होता हूँ, पॉजिटिव होता हूँ और हैप्पी को लकी होता हूँ। तो अभी आप सीनियर है और शक्ति अरोरा, मतलब शो के हिसाब से तो अच्छा, मतलब वैसे कि मुझे 5 साल हो गए हैं तो कुछ बता रहे हैं, टिप दे रहे हैं कि या मतलब? नहीं यार, हमने साथ में ही करियर स्टार्ट किया था। वो अपने आप में बेहतरीन कलाकार है, उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसने भी बहुत काम किया हुआ है, कलर्स चैनल के फेस है। उसने भी बहुत काम किया हुआ है, बालाजी का ही शो किया हुआ था उसने भी कलर्स पे, तो वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन शो में काफी उतार चढ़ाव आए, धीरज लेफ्ट किए शो, क्या कहना चाहोगे? काफी उसकी वजह से क्या कहना चाहोगे? हर एक्टर का पर्सनल डिसीजन होता है, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर किसी को मूव ऑन करने का, ग्रो करने का हक है। लेकिन उस कैरेक्टर ने उनको काफी ग्रो कराया था और टीआरपी भी उसी कैरेक्टर से मिली उन्हें, और अचानक से तो छोड़ देना, मतलब प्रोड्यूसर को नुकसान कर देना, गलत है कि किसी एक एक्टर की वजह से शो चलता है। नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अभी आप इतने बड़े विलन है शो के, तो अगर आप छोड़ रहे तो नुकसान नहीं होगा शो को? एक शो को चलाने के पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, हर किसी का इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। मेरे छोड़ने से मुझे नहीं पता कि फर्क पड़ेगा। अगर आप कह रहे हैं तो थैंक यू, मैं बस अपनी कोशिश करता हूँ। पर बालाजी टेलीफिल्म्स अपने आप में बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। एकता मैम इज द क्वीन। टीआरपी गिर गई थी, लेकिन बैक फायर हो गई है। शो चलाना होता है उनसे बेहतर और कोई नहीं जानता, तो मेरे होने ना होने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मतलब धीरज की अगर हम बात करें तो वो क्रिएटिव डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि किसके होने या ना होने से ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अभी तो टीआरपी बहुत अच्छी चल रही है, अभी अच्छी आई है, बैक आ चुका है, मतलब प्रीवियसली बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत बड़े बड़े स्टार्स ने शो छोड़ा है या फिर उनके साथ शो बनाया गया है, सीक्वल बनाया गया, लेकिन फिर भी वर्क नहीं करता। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पॉपुलर हो या बहुत बड़े स्टार हो, इसलिए मैं खुद के लिए भी बोल रहा हूँ ये, कि ज़रूरी नहीं है कि मैंने शो अगर छोड़ा, कभी भी ऐसा कभी होगा नहीं। कभी छोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, शो को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, आखिर में अपने फैंस से आप कुछ, हमने सुना कोई कास्टिंग कहाँ पे गए थे, आपकी नई कास्टिंग हुई है कहाँ जगह, कोई सॉन्ग के लिए कुछ अगर आप बताना चाहे? सॉन्ग तो फिलहाल मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ है पाइपलाइन में। मैं और पूनम मेरी वाइफ, हम दोनों साथ में बहुत जल्द दिख सकते हैं, बट किस चीज़ में क्या है वो सारी डिटेल्स मैं बहुत जल्द अपडेट करूँगा। बिकॉज अभी तक जब तक मैं कोई फॉर्मल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता, मुझे अनाउंस करना सही नहीं लगता। आप और मैम बिग बॉस में जाएंगे साथ में, लवली जोड़ी? फिलहाल तो पता नहीं, जब अगर ऐसा कुछ ऑफर आया तो कंसिडर किया जा सकता है, नेवर से नेवर। ओके, आखिर में अपने फैन से लवली मैसेज। ये मुझसे ज़्यादा आप लोगों का है, थैंक यू सो मच। आप लोग ही वैसे मैं हूँ, एंड इसी तरह से ब्लेस करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।